गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क के केस नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक डायमीटर के अबाउट फाइंड आउट किया था। आज हम लोग वही सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक लाइन के अबाउट फाइंड आउट करेंगे जो उसके सेंटर से पास होगी और उस डिस्क के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये लाइन आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि ये इसके सेंटर से पास हो रही है और ये वाली लाइन, इस लाइन के अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये 3D केस है सो इसको हम लोग पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बट दिखाने के लिए मैंने आपको एज अ ओएल को मैंने यहाँ पर बताया है कि ये हमारी जो लाइन है वो ओएल है, ठीक है। बट अगर आप एक्चुअल में इसको इमेजिन करना चाहते हैं तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से होगी, इसके सेंटर से गुजरेगी और ये जो मैं मूव कर रहा हूँ इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में जो मैंने फिगर बनाया था वही फिगर मैंने यहाँ पर बनाया है, और जो थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में लिखी थी वही थ्योरी मैं यहाँ पर लिखूँगा, बस एक दो जगह पर कुछ पॉइंट्स चेंज हो गए, तो उसको आपको देखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क, या आप इसको प्लेट भी बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको प्लेट बोला था, विथ रेडियस स्मॉल ए एंड मास कैपिटल एम, यानी कि एक हमारी डिस्क है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है और इसका मास कैपिटल एम है। चूँकि इसका जो मास है वो इसके पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो हम लोग इसका मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। सो मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू रो, इसको हम लोगों ने रो से डिनोट कर दिया है, रो इक्वल टू मास अपॉन एरिया। सो मास एम है और सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई ए स्क्वायर, सो रो इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। सपोज ओ एल बी अ लाइन विच पासिस थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट ओ एल, यानी कि ये ओ एल जो है हमारी एक लाइन है जो इसके सेंटर ओ से पास हो रही है और इस पूरी डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब आप इस डिस्क में कहीं भी पॉइंट लोगे, मतलब आप इस डिस्क के किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, फॉर दिस कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू आर एस, हमने एक एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू आर एस कंसीडर किया है, ठीक है। किस तरीके से, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एरिया कितना है, आर डेल थीटा डेल आर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये क्यों आया था। फिर मास ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का मास हम लोगों ने डेल्टा एम कंसीडर किया है। बट अब जो लाइन यहाँ पर चेंज होगी वो ध्यान से देखिए आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पी क्यू आर एस फ्रॉम ए बी इज इक्वल टू स्मॉल आर, और वहाँ पे क्या था, आर साइन थीटा। अब बात करते हैं ये डिफरेंस क्यों आया है। लास्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकाल रहे थे, सो हम लोग इस एलिमेंट्री पार्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लाइन थी उससे देख रहे थे। बट अब चूंकि इस एलिमेंट्री पार्ट की डिस्टेंस हम लोग इस लाइन से देख रहे हैं और ये जो लाइन है वो इस डिस्क के हर एक पॉइंट के क्या है, परपेंडिकुलर है, सो ये वाली जो मेरी आर होगी वही क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस लाइन से इस एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू आर एस की, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे आर साइन थीटा आया था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर आया है, ठीक है। अब हम लोग इस एलिमेंट्री पार्ट पी क्यू आर एस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालेंगे, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा उसको थीटा इक्वल टू जीरो से टू पाई और आर को ए तक बढ़ा देंगे, जीरो से और आर को जीरो से ए तक बढ़ा देंगे, तो हमें पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट मिल जाएगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, सिंस रो इज मास पर यूनिट एरिया, चूँकि रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया है, सो डेल्टा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, तो ये मेरा डेल्टा एम का मान आ गया है, ठीक है। अब हम लोग पी क्यू आर एस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ओ एल के अबाउट और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पी क्यू आर एस अबाउट ओ एल, इसको मैंने डी आई से डिनोट किया चूँकि ये एलिमेंट्री पार्ट का है, डेल्टा एम डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो मास उसका कितना था, डेल्टा एम था और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आर थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो डी आई इज इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू मैंने ये रख दी और आर स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब आर की पावर टू और वन थ्री हो गई, रो ऐसे ही रहा, डेल थीटा और डेल आर ऐसे ही रहा, यानी कि ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है पी क्यू आर एस का अबाउट ओ एल। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क अबाउट ओ एल, सो पूरी डिस्क का ओ एल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन डी आई। अब जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये डबल इंटीग्रेशन क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं थीटा और आर, सो एक
थीटा की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और एक आर की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। सो एक थीटा की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा और एक आर की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने यहाँ पर डी आई की वैल्यू रख दी है। सो आई इज इक्वल टू लिमिट थीटा की जीरो से टू पाई जा रही है और आर की जीरो से ए जा रही है, और डी आई का मान रो आर क्यूब डी थीटा डी आर। चूँकि आर यहाँ पर पहले आ रहा है और आर की लिमिट भी कैसे आ रही है, पहले आ रही है, तो इस पूरी वैल्यू को मैं पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। सो आप लोग देख सकते हैं थीटा की लिमिट मैंने ऐसे ही रखी, रो ऐसे ही रहा, और आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4 लिमिट 0 से ए डी थीटा। सो जब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए की पावर 4/4 और लोअर लिमिट से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। सो क्या हो गया, 0 से 2 पाई रो ए की पावर 4/4 डी थीटा, ये पूरा कॉन्स्टेंट था, मैंने इसको बाहर निकाल लिया, रो ए की पावर 4/4 लिमिट 0 से 2 पाई और ये सिर्फ डी थीटा बचा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है, तो जब हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे थीटा की जगह पर तो 2 पाई आ जाएगा और लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा है। सो रो ए की पावर 4/4 इंटू 2 पाई। अब मैंने क्या किया, ए की पावर 4/4 ऐसे ही रखा बट रो की जगह पर क्या रख दिया, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये जो मैंने यहाँ पर निकाला था रो इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, सो उसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। और इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, और इस 2 पावर से 4 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 पावर कम हो जाएंगी। सो हमारा फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2 एम ए स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है सर्कुलर डिस्क का अबाउट अ लाइन विच पासिस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है।